खबर रीवा जिले से है, जहां महिला चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। पूरा मामला गढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पति पत्नी क्लिनिक चलाते हैं। महिला चिकित्सक मंदाकिनी तिवारी का कमरे के अंदर बिस्तर में शव बरामद हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है। बताया जाता है कि उनके पति अतुल तिवारी उम्र 36 वर्ष और मंदाकिनी दोनों डेंटिस्ट हैं। इनका विवाह एक दशक पहले हुआ था, लेकिन कोई बच्चा नहीं है। बताया जाता है कि अक्सर पति पत्नी में विवाद होने के बाद महिला चिकित्सक कमरे को बंद कर लेती थी और कुछ समय के बाद दरवाजा खोल देती थी। इस बार भी विवाद के बाद मंदाकिनी तिवारी कमरे के अंदर चली गई थी और जब दरवाजा नहीं खुला तो चिकित्सक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो मृत अवस्था में मिली। फिलहाल पुलिस के द्वारा महिला चिकित्सक के मायके के लोगों को सूचना दी गई है। छतरपुर से परिजनों के आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। प्रथम दृष्टया अत्यधिक नींद की गोलियां खाने से मौत मानी जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या जानकारी दी है। महिला चिकित्सक का शव बरामद हो गया। गढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला चिकित्सक का जो शव बरामद हुआ है कक्ष में, उसके पश्चात एफएसएल टीम ने भी मौका मुआयना किया है, अपना विजिट किया है और अभी उनका आज पीएम कराया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात और बाकी साक्ष्य संकलन के पश्चात उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारे एसजीपी हैं उस क्षेत्र के, वो लगातार उस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पीएम रिपोर्ट, साक्ष्य संकलन, इसके पश्चात जो भी लीगल एक्शन होगा वो हम लोग आपको बताएंगे।